जय जगन्नाथ, जय पंचका, जय श्री राम। अयोध्या पर हमारा टीम अभी है और हम लोग अभी रामलला जी के दर्शन भी किए। बहुत ही सुंदर दर्शन था, बिल्कुल नज़दीक से लगभग 2 से 3 मिनट तक हमने रामलला जी का दर्शन भी किए। बहुत सारे श्रद्धालु जो है अभी भी आ रहे हैं और ज़्यादा भीड़ तो नहीं था, लेकिन जब उनका पूजा चला था कुछ देर के लिए उनका दर्शन जो है वो बंद हुआ, लेकिन लगभग 15 से 20 मिनट के बाद पुनः वो खुल गया और दर्शन बहुत ही बढ़िया हुआ। तो आइए हम जानते हैं, हमारे साथ भाई जुड़े हैं, क्या है उनका अपना अनुभव। जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जी सर। तो आपको तो काफ़ी कुछ जानकारी है अयोध्या के बारे में, ज़रा बताइए, मतलब यहाँ से जब मंदिर नहीं था, अब जब भव्य मंदिर तैयार हो चुका है, उसके बारे में बताइए, आपका अनुभव बताइए। अनुभव तो हमारा बहुत अच्छा है, हम लोग बचपन से ही रहे हैं यहाँ पे। जी जी। तो ये हम लोग के लिए एक सपने जैसा था कि ये मंदिर बन रहा है, और हम लोगों ने तो नहीं सोचा था कि बनेगा कभी, बस ये सब कोर्ट में ही चलता रहेगा, लेकिन बन गया तो ये बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा हम लोगों का, भी दर्शन भी किए हम लोग। मतलब जब यहाँ से मंदिर नहीं था तब भी यहाँ आप आते थे? एक दो बार आए हैं कॉलेज टाइम में। तब उतना क्रेज नहीं था? तब उतना क्रेज नहीं था और ज़्यादा कुछ जानकारी भी नहीं थी। धीरे धीरे जब पता चला तो उसके प्रति और ज़्यादा हम लोग जो है अच्छा जानने की कोशिश किए। तो पिछले 10 साल से जब ये मुहिम बना कि हाँ राम मंदिर भी बनने वाला है, तब मतलब लोगों में क्या कुछ यहाँ पे उत्साह था? हाँ, उम्मीद थी एक कि मंदिर बनना है और जल्दी ही बन जाएगा, बस ये था कि समय नहीं निर्धारित हो पा रहा था क्योंकि मामला कोर्ट में था। लेकिन कुछ लोग जो है बार बार ये बोल रहे थे कि सरकार ये बोला है कि यहाँ मंदिर बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब जब मंदिर बन भी गया, तारीख भी आ गया और भव्य मंदिर बन गया इलेक्शन से पहले, तो मतलब आपका दृष्टिकोण क्या है? अब इलेक्शन का मेरे हिसाब से मंदिर से कोई लेना देना नहीं है, मंदिर जब बनना था बन गया, और इलेक्शन तो अब अगेंस्ट में जो है कुछ ना कुछ तो बोलेगा ही कहीं ना कहीं, ये एक राजनीतिक मुद्दा है। अब अगर भक्तों से पूछेंगे तो उनका कोई मुद्दा नहीं, उनका तो मंदिर बनना जरूरी था, मंदिर अच्छा, बन गया अच्छा। और राजनीतिक दृष्टिकोण से क्या मतलब हमारा? सही बात है, चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, यहाँ पे मतलब जो पहले भी जो मस्जिद था, अब उसका कहीं भी मतलब कुछ नामो निशान है? नहीं, अभी तो यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ उनको जमीन दी गई है। हाँ, वो मुझे लगता है बगल में ही है ना, सरयू नदी के पार है। अच्छा अच्छा, कितना दूर रहेगा यहाँ से? यहाँ से 10-15 किलोमीटर। 10-15 किलोमीटर? हाँ, अच्छा, के डिस्टेंस पे होगा। अच्छा अच्छा, आई थिंक बट नॉट क्लियर के यही है। अच्छा अच्छा जी, वहाँ पे होगा। तो मतलब मंदिर बनने से पहले भी मोदी जी यहाँ पे कई बार आते थे? नहीं नहीं, लास्ट टाइम जैसा जो है मीडिया में बताया गया है कि 92 में ही आए थे या 96 में रथ यात्रा निकली थी तब आए थे अडवाणी जी के साथ में, उसके बाद फिर वो वही भूमि पूजन के लिए ही आए थे। अच्छा, 2019 में, और फिर उद्घाटन के लिए आए 22 जनवरी को 2024। तो बीच में एक सोशल मीडिया में एक फोटो और वीडियो हुआ था वायरल, जो रामलला के सूर्य तिलक। जी जी, वो फोटो आपने देखे हैं? जी जी। कैसा रहा वो फोटो के बारे में क्या बताएंगे? बहुत अद्भुत है, और उसको ऐसी गणना से बनाया गया है कि हर रामनवमी को भगवान का जो है सूर्य तिलक होगा। अच्छा 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 जी। तो ऐसा भी कुछ मतलब आपको आइडिया था, मतलब ऐसा भी कुछ मतलब बन रहा है? नहीं, हम लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं, ऐसा कुछ आइडिया नहीं था, ये बिल्कुल लोगों के लिए सरप्राइज था। हाँ, सरप्राइज था, गवर्नमेंट अपना अंदर काम करती रहती है, लोगों को जानकारी तभी होती है जब वो काम पूरा हो जाता है। अच्छा जी, इलेक्शन से लगभग 3-4 महीने पहले राम मंदिर का उद्घाटन किया गया, तो क्या ये एक राजनीतिक एजेंडा पर कुछ इसमें कोई इसके पीछे कुछ एजेंडा ही था? नहीं, उद्घाटन जो है हमें तो नहीं लगता, क्योंकि अभी गर्भगृह तो बहुत लोगों का कहना है कि गर्भगृह अगर भगवान का तैयार हो गया तो फिर उद्घाटन कर सकते हैं। अच्छा, और बहुत लोगों का मानना है कि नहीं, जब पूरा मंदिर बन जाएगा तभी होता है, लेकिन आई थिंक जो है उद्घाटन होना चाहिए था, क्योंकि गर्भगृह तो बन के तैयार हो गया था, तो उसका इलेक्शन से तो मतलब नहीं होना चाहिए। और भी बहुत सारे मुद्दे, उससे भी लोग बात कर सकते हैं। कुछ लोग जोड़ रहे हैं इसको,
राजनीति के साथ कुछ लोग जोड़ रहे हैं। अब कुछ लोग जोड़ रहे हैं तो वो शुरू से ही जोड़ते आ रहे हैं, आज से नहीं, जब से बीजेपी ने राम मंदिर का मुद्दा उठाया तभी से जोड़ रहे हैं। सही बात है, वो ऐसे जोड़ते रहेंगे और इनको जो करना है करते रहेंगे। चलिए, और आपका अपना कुछ अनुभव है जो आप दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे? अनुभव मेरा यही है कि जब भगवान राम को देखते हैं तो सारा कुछ भूल जाते हैं, बस उन्हें खो जाते हैं। क्या बात है, बहुत तो इसीलिए जो है सब लोग आए और दर्शन करें भगवान राम का। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर अभी आप सुन रहे थे भाई साहब को, भाई साहब जो है अपने अनुभव की बातें भी हमारे साथ शेयर किए और कुछ रोचक तथ्य भी उन्होंने हमारे साथ शेयर किए, जबकि उनके पढ़ाई भी यहीं से ही हुई है अयोध्या में, लगभग 10-15 साल वो यहीं से व्यतीत किए हैं। कैसा लगा आज का ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में अपना मत रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपका अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिए जय श्री राम। मिलते हैं, जय जगन्नाथ, जय पंचखा।